स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो गाइस आज मैंने आज नहीं, दो सप्ताह पहले ही मैं कुछ अमेजन से ऑर्डर की थी, लेकिन आने में थोड़ा लेट हुआ, इसके वजह से मुझे कल मिला है। तो क्या है और मैंने क्या मंगाया है चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए ये है, अब इसमें क्या हो सकता है गेस करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए देर न करते हुए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए हम बैठ चुके हैं और अब हम इसे ओपनिंग करेंगे और देखते हैं कितना बड़ा डब्बा है, इसमें है क्या। देखिए मैं चाकू भी ले ली हूँ इसे खोलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पैकिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसमें चाकू का जरूरत पड़ेगा या तो फिर कैंची का। ये खुल चुका है। ये देखिए क्या है, ये तो दिख रहा है डब्बे के अंदर एक और डब्बा। तो देखिए गाइस इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक ट्राइपॉड है। तो ज्यादातर लड़कियां तो सिर्फ कपड़ा मंगाती हैं, ब्यूटी का प्रोडक्ट मंगाती हैं, लेकिन मैंने क्या मंगवाया आप देख सकते हैं, एक ट्राइपॉड। तो इसमें आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आप और लेट ना करते हुए इसको और ओपन करते हैं। और इसका कंपनी देखिए, मैंने कौन सा कंपनी का ट्राइपॉड मंगवाया है तो आप देख सकते हैं, डिजिटेक्स लाइटवेट डीवी ट्राइपॉड। तो चलिए अब इसे और ओपन करते हैं और निकालते हैं। वाओ अब इसके अंदर क्या है, बैग। ये देखिए खुल चुका है, इसके अंदर एक बैग है, बैग के अंदर ही है ये सब। तो अब दिखाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत वजन भी है क्योंकि हैवी है ये, इतना पैकिंग ही है कि क्या बताएं। देखिए बहुत अच्छा है, जैसा मैंने देखा ऑनलाइन देखी थी जैसा, उससे भी और अच्छा है सच में। अब हमको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट टाइम कुछ भी ऑर्डर किया है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं, जो मेरे पास मोबाइल था उसी से मैं वीडियो बना रही थी और अपने हाथ से ही पकड़ के, लेकिन अब मैं ट्राइपॉड तो बनाऊंगी। तो गाइस ये देखिए ये है मेरा ट्राइपॉड। तो इसका वीडियो मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू करूंगी, जिसपे इसका मैं सारा चीज़ बताऊंगी कि इसे कैसे यूज किया जाता है। तो मैं अभी के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको और हमारा ट्राइपॉड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए अब आज का वीडियो हम बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।